दोस्तों क्या आपका इंस्टाग्राम ऐप अपडेट नहीं हो रहा है प्ले स्टोर से। अपडेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपडेटिंग या फिर पेंडिंग टाइप का प्रॉब्लम दिखा रहा है और अपडेट नहीं हो रहा है, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके और अपडेट करके भी दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन करना है, जहाँ कहीं भी हो उस पर आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे डाउन करना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा डाउन करेंगे तो आपको ऐप मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक ऐप लिस्ट का ऑप्शन शो करेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ऐप लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में जितना भी ऐप होगा टोटल आपको शो करेगा। आपको यहाँ पर ढूंढना है गूगल प्ले स्टोर ऐप को। गूगल प्ले स्टोर ऐप आपको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो मिल जाएगा, और आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं। उस पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको पहले फोर्स स्टॉप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड फोर्स स्टॉप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्टोरेज यूसेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड क्लियर कैच के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड क्लियर डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके कर देना है। अब आपका क्लियर कैच भी हो गया, क्लियर डाटा भी हो गया, और इसके बाद यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको दिखेगा डाटा यूजर डिटेल्स का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको डिसेबल मोबाइल डाटा एंड डिसेबल वाईफाई दिखेगा, इस दोनों को आपको डिसेबल कर लेना है इसी तरीके से। उसके बाद आपको बैकग्राउंड डाटा दिखेगा, इसे आपको इनेबल कर लेना है, इतना चेक कर लेना है, गलत सलत हो जाता है तो प्रॉब्लम आता है, तो इस तरीके से आपको रखना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब आपको जो है इंटरनेट से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम आता है कि कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है इंटरनेट से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको ऊपर से नीचे डाउन करना है। एंड डाउन करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपका जहाँ पे भी मोबाइल डाटा उस पर आपको क्लिक करना है थोड़ा देर के लिए। इस पर क्लिक करके रखेंगे तो आपके सामने जो है इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर नीचे आएंगे तो इंटरनेट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में जितना भी सिम होगा वो शो करेगा, और आपको क्या करना है, आपने जिस सिम में रिचार्ज करवाया वही सिम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके रखना है। कभी कभी गलत हो जाता है, जैसे कि मेरा सिम 1 पे रिचार्ज है और ये सिम 1 सिलेक्ट हो जाएगा तो मेरा जो है प्ले स्टोर ऐप से कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे आपको जिस सिम पे रिचार्ज है उस सिम को यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है। एंड उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ से जो है बैक आना है। बैक आने के बाद एक और प्रॉब्लम हो सकता है, आपको क्या करना है, आपने जिस सिम को यहाँ पे सिलेक्ट किया है वहाँ पे यहाँ पे आपको उस पर क्लिक करना है। सिम 2 पे मैं क्लिक करता हूँ। एंड उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस नेटवर्क टाइप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 4G 3G और 2G का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पे 4G को सिलेक्ट करके रखना है, कभी कभी 2G और 3G हो जाता है तो प्रॉब्लम आता है, तो आपको इसे सिलेक्ट करके रखना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।